नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। चुनावी प्रचार शोर मुद्दा विहीन सबके अहम दौर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पांचवें चरण में ही भाजपा की जीत तय हो गई है। अब दो चरण है, 6 और 7, उनमें हमारे बहुमत का दायरा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने भी आज महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक जीत का परचम फहरा दिया है। दो चरण बाकी है, 19 जिले हैं, 111 सीटें हैं और यदि इनका आकलन किया जाए तो 2017 में जो बनी थी स्थितियां उसके अनुसार 76 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी और 9 सीटें माने अपना दल के पास 5 और राजभर के पास 4 माने 86 क्या मतलब 85 सीटें जो हैं पूरी तरीके से बीजेपी के खाते में चली गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि सपा भी ये दावा करती रही है कि बस हमने एक शतक लगा लिया है पश्चिम के पहले 2 चरणों में और अब हमारी भी जीत बिल्कुल तय है। सपा का भी दावा, और आपको मालूम है कि सपा और भाजपा बिल्कुल सीधी लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में क्या वास्तव में बीजेपी की जीत हो गई है? और आखिर हो गई है तो क्यों हो गई है? कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर लोगों ने वोट दे दिया? आज इस पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं, हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से नीतू सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी से हैं अभिषेक गुप्त मोलू, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में कांग्रेस से हैं श्यामदेव सिंह, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नीतू सिंह, ये बताइए कि क्या जीत आपकी पाँचवें चरण तक हो गई है पूरी? पाँचवें तक में बहुमत के हम बहुत नज़दीक हैं और प्रचंड बहुमत की अब हमें आस है जो 2 चरणों में पूरा हो जाएगा। और जो हमारी सोच थी कि हम 300 के पार जाएंगे उसमें ये दोनों हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगे। माने आपका मानना ये है कि बिल्कुल बहुमत के नज़दीक आ गए हैं, जीत तय हो गई है और अगले जो 2 चरण होंगे उसमें आप प्रचंड बहुमत भी पा लेंगे, माने 300 का आंकड़ा पार कर लेंगे। आखिर वो कौन सी ऐसी बात थी और कौन सी ऐसी स्थितियां आपको दिख रही है? वोट कम पड़ रहा है, सब कुछ परिस्थितियां ऐसी है, सीधी लड़ाई हो रही है, वो कौन सी बात ऐसी है नीतू सिंह जो आपको ये बता देती है कि नहीं साहब, आप 5वें चरण में ही जीत गए? देखिए, आज का जो माहौल है जी, हम जिस माहौल से होके आए हैं अपने बचपने से, आज उस उम्र में हम जाएं तो हम लोगों के पास कुछ नहीं था। आज हम संपन्न हैं, समृद्ध हैं और आज हम उस समृद्धता को या अपने बच्चों के आगे के भविष्य को किस सुरक्षित हाथों में दें, उस सुरक्षा को लेके जो पढ़ा लिखा नौजवान तबका है, पुराने जो बुजुर्ग हैं या जो पिछले दौरों से गुजर के आज संपन्न हुए हैं, समृद्ध हुए हैं, उन्होंने इस सोच पे कि भाजपा के हाथ में भयमुक्त समाज है, जरूरतमंद के लिए सब तरीके की सोच है और जो ठीक है पिछली सरकारों ने भी उन योजनाओं को लागू किया होगा, योजनाएं उनके दिमाग में थी और उनके शासनकाल में वो लागू भी हुई, पर उसको अंतिम रूप या उसको चलाने का जो साहस केंद्र और योगी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने किया और धरातल तक गरीब के घर तक राशन, मकान की चिंता, शौचालय की चिंता, उसके मैंने आपका कहना है कि एक काम किया है। एक तो लाभार्थी जी, ये आपका फायदा हुआ और लाइन ऑर्डर का, ठीक है, और इससे आप बिल्कुल जीतते चले आ रहे हैं। हाँ, उससे हमको समझ गए, सहयोग मिलेगा मिलागा।
बोलो क्या आप सोच रहे हैं, सपा टक्कर में है, आपके भी नेता यही दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दो मुद्दे इन्होंने बताए हैं, एक तो लाभार्थी वाला और दूसरा सुरक्षा वाला, क्या कहेंगे आप? देखिए लाभार्थी तो पिछली भी गवर्नमेंट में पिछले कई वर्षों से जो गरीबों के लिए राशन है उनको राशन भी मिलता था, शक्कर भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था, ये मिलता चला रहा है ये सरकार ने, उसमें थोड़ा बहुत नमक जोड़ करके मुझे लगता है अपनी उपलब्धता गिनाने का काम कर, लेकिन फ्री भी तो दिया है। हाँ तो बचा, जब से कंट्रोल से क्या शक्कर नहीं मिलती थी, क्या मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, या गेहूं और चावल नहीं मिलता था? नहीं वो फ्री नहीं मिलता था ना, वैसा उसका मिनिमम रेट क्या था, एक रुपए दो रुपए तीन रुपए, आज की डेट में सरकार ने उसमें नमक अपना एडिशनल कर लिया, वो नमक खिला करके जनता से क्लेम मांग रही है, फ्री का नमक खिला करके वो जनता से क्लेम मांग रही है। दूसरी बात जो आप ये बता रहे हैं कि सीटें 300 मतलब जो है मेरी दो चरण तीन चरण पांच चरणों में हमारी जो है पूरी पूर्ण बहुमत की सीटें हो गई है, ख्याल सोचना ख्याली पुलाव पकाना कोई विषय नहीं है, मुझको लगता है आपकी बात समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की जीत दे करके भाजपा के बड़े नेता डिस्टर्ब हो गए हैं, जैसे पश्चिमी यूपी में इनको लगता है कि पूरा सुपड़ा साहब इन्होंने पश्चिम यूपी को जीतने के लिए अपने पूरे घोड़े खोल दिए, आप प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर प्रदेश के एक केंद्रीय मंत्री को एक एक दो दो विधानसभा में एक एक जिले में लगा रखा था, लेकिन इनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, पब्लिक के लोगों ने उनका बहिष्कार किया, इनकी रैलियों का बहिष्कार किया, कहीं कहीं इनके प्रत्याशियों को वहां से भागना पड़ा। ठीक, ये सरकार का माहौल था पश्चिम यूपी में और उसी के बाद दूसरे चरण में भी इनको हार का सामना, बड़ी हार का सामना देखना पड़ रहा है, और आगे वाले दो चरण हैं पूर्वांचल है, पूर्वांचल में भी इनको बहुत नुकसान होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ इनका डिप्टी सीएम भी जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये बात जीतने की बात कर रहे हैं, इनके डिप्टी सीएम को लगता है जीतने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है, ये इनकी हालत है। लेकिन अपने फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए, अपनी बात को जनता तक गुमराह करने के लिए और अति उत्साह के कारण ये सब बातें कर रहे हैं, जो मुझे लगता है उचित नहीं है। ठीक बात है। सांसद जी आपका क्या आकलन है? देखिए आप तो काफी समय से इलेक्शन देख रहे हैं, योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि पांचवी चरण में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो गई है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। योगी जी तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में कहे आए थे कि सब गुंडों के हम ठीक कर देंगे, चुनाव बंगाल में जीत रहे हैं, भाजपा सरकार बनाएगी बंगाल में, एक एक गुंडों को हम ठीक करेंगे। तो भाजपा में तो एक गुंडे ठीक कर चुके आगे वहां से लौट करके। आप एक चीज बताइए, अगर इन्होंने लाभार्थी बनाया, कानून व्यवस्था ठीक किया, सबको 10 किलो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं 15 करोड़ लोगों को, तो प्रधानमंत्री को गली गली में घूमने की क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री देश का हमारे 45 साल के राजनीतिक जीवन में कभी विधानसभा के चुनाव में एक एक विधानसभा में नहीं गया है। 8-10 प्रधानमंत्री देश के हुए, 10-12 हुए, लेकिन कोई ऐसा नहीं किया। पार्लियामेंट के चुनाव में वो जाते थे प्रदेश की राजधानी में, 2-4 जिलों में घूम के चले जाते थे। अगर आपने अच्छा काम किया, विकास किया है, लाभार्थी की संख्या बढ़ाया है, गेहूं दिया है, राशन दिया है, तो आपको महाराजगंज, अमेठी, जगदीशपुर, स्वास्थ्य, बहराइच और कैसरगंज घूमने की आवश्यकता प्रधानमंत्री को नहीं थी। तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं, कहीं सरकार नहीं बन रही। और जहां तक पहला चरण चुनाव हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, किसान नाराज, मजदूर नाराज, नौजवान नाराज, रोजगार नहीं मिल रहा, जिस नौजवान को रोजगार के लिए एक मांग करता लाठी पड़ती उसको मारा जाता है, इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ हो किसी जिले में। किसान 750 मर गया आंदोलन में, पश्चिम उत्तर प्रदेश ज्यादा किसान था। और ऐसे दौर में महंगाई, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा, आप कहते हमारी पांचवी चरण में सत्ता बन गई, हम जीत गए, तो योगी तो बंगाल भी कह के आए थे हम जीत गए। ठीक बात, बिल्कुल। तो आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, संगठन हमारा मजबूत हुआ है, कांग्रेस पार्टी सेकुलर फोर्सेस के साथ हम मिलके सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, और कहीं दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी नहीं। तो सही, तीन सवाल आपके सामने जी। एक तो हमारे मोनू भाई ने कहा कि नमक खिला दिया है तो भाई क्या किया जाएगा, नंबर एक जी। नंबर दो, पश्चिम में जी किसान बहुत जबरदस्त नाराज था जी, इसमें भी दो राय नहीं है। ये भी खबरें आ रही थी कि बीजेपी के नेताओं मंत्रियों को उनके क्षेत्र में नहीं जाने दिया जा रहा था, और दूसरे चरण में भी वही स्थिति थी। जब ये हालात थे तो आप कैसे कह सकते हैं
कि हम पांचवी हमारी चरण में ही जीत सुनिश्चित हो गई, क्योंकि जब आपकी शुरुआत ही गड़बड़ा गई थी पश्चिम से, जैसा कि जिसका जिक्र अभी हमारे मोनू भी कर रहे हैं, क्या कहना है इसके बारे में? क्या आपको नहीं लगता किसान नाराज था? देखिए, जो किसानों का मुद्दा था वो पंजाब से उठा, ठीक है, और वहां पे उनकी जो सत्ता में वहां बैठे थे बादल वाले और उनकी एक मोनोपोली थी, उस पॉलिसी को खत्म करने के लिए केंद्र ने ये कदम उठाया था, किसान वाले जो मुद्दे उठे थे और उसको सपोर्ट कर रहे थे टिकैत साहब और जयंत, इन दोनों का उस इलाके में पश्चिमी में काफी वाचस्व भी है और लोग इनकी बात को, इनकी पंचायतों को बहुत ज्यादा मानते हैं। और वहीं पे भी कुछ घटनाएं जैसे पलायन की हुई, कुछ तरीके हुई, तो हमारा वोट बैंक उन चीजों को निपटा के अच्छा हुआ। और बाद में आपने देखा कि जैन जी उस पहले चरण के बाद कहां अखिलेश जी के साथ कहीं पे क्या दिख रहे, दूसरी तरफ वो अपने क्षेत्र में जहां जहां गए बस वहीं जहां जहां था, तो जबकि साथ दिया था तो बाकी चरणों में उनको साथ खड़े होना चाहिए था। जरूरी नहीं कि सारे किसान हमारे पश्चिम में ही है, पूरे भारत वर्ष में किसान है, ऐसा नहीं है कि खाली पश्चिम में ही है। आपके हिसाब से फिर पश्चिम में क्या हुआ? पश्चिम में हम इनसे ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे। वहां पर 60-40 की लड़ाई हो गई है। नहीं, असल में है क्या कि इस देश का दुर्भाग्य है कि यह जात के ध्रुवीकरण में बट गया है। नहीं, दूसरी चीज आप कहते हैं नीतू सिंह जी, कहते सबसे ज्यादा तो नाराज सिख समाज था, जो लखीमपुर में गाड़ी चला दी उसमें बेचारे सिख हुए, किसानों में भी बहुत सिख से, तो नाराजगी तो पूरी तरीके से सिख समाज की ही थी। नाराजगी ये है कि देखिए, सिख समाज जो है, सिख समाज 3000 आदमी हमारा कांग्रेस ने 84 के दंगे में किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत खत्म हुआ, और 127 आदमी कानपुर में गुजरा, मेरी बात समझो, और उसके बाद 4 लोगों ने ये जो कुचक प्रयास किया उसको अदालत ने वहां पे बुलाया और उसको सजा का वाला भी हुआ और उसका काम चल रहा है। उसके बाद 4 भारतीय जनता पार्टी के और लोग भी थे जिन्होंने ये काम किया था, उनको भी वहां किया गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको संयम बरते हुए कि देश के हालात को ठीक रखें और कोई इस तरीके की इस देश में दंगा या कोई फसाद या कोई हीन भावना की वो चीज की पुष्टि नहीं करी। और भयमुख समाज की एक हम कल्पना करते हैं, आज हमारे लिए राजनीतिक पार्टी के अलावा हमारा जो परिवार है, समाज, हमें उसकी चिंता होनी चाहिए कि वो कहां जा रहा है। ठीक बात, ठीक बात। दो खाइयों में वो पट रहा है। चलिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। नीतू सिंह जी, आप भाजपा समर्थित हैं। हाँ जी, गृह राज्य मंत्री आपका, हाँ जी, जिसके श्रेय से, जिसके उकसाने पर जी उसके लड़के ने रामजद मुल जी में जेल भी गया जी, लेकिन गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा आज तक नहीं लिया आपने। नहीं, तो किसान नाराज इससे। आप क्या समझते हैं कि लखीमपुर, पीलीभीत में, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप वोट मिलेगा? सिख समाज नाराज होता तो कांग्रेस की सरकार पंजाब में ना बनती। 3000 आदमी 1984 में गुजरा। अगर सिख समाज नाराज होता तो कांग्रेस को एक वोट नहीं मिलना चाहिए। किसी ने जानबूझ किसी नहीं मारा। नहीं नहीं नहीं, ये उसने पेड़ गिरता है। घटना थी वो, तो अलग घटना थी उसको, घटना राजीव गांधी पेड़ गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो वो सही बात। नेहरू जी मरे नहीं, मतलब एक मिनट श्याम जी, क्या एक लाइन में बताए, क्या आप मानते हैं कि अब कांग्रेस से नाराज नहीं है सिख है? एक मिनट, जिसे आपने कहा अगर नहीं होता तो पंजाब में सरकार नहीं बन पाती, इसके माने कि सिख समाज जो है कांग्रेस से पूरी तरह नाराज नहीं है ना? हमने सिख को देश का प्रधानमंत्री बनाया, हमने सिख को RBI गवर्नर बनाया, ठीक बात, हमने सिख को भारत वित्त मंत्री बनाया, एक बात, और आज पंजाब में जो हमने विकास किया कांग्रेस शासन ने, आज फिर पंजाब में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। ठीक बात, चलिए, हाँ, जल्दी सोनी नहीं तो सी, आप जो कुछ कह रहे क्या? अगर इन्होंने सिखों को बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक के मुस्लिम समाज को भी ऊंचे पदों पे बैठाया, पर आज वो उस पर दावा तो नहीं करते हैं। नहीं, देश का पीएम नहीं बनाया, देश का पीएम नहीं बनाया। हम ये नहीं कह सकते कि वो बीजेपी से प्यार करता। आज आपके पास एक सहानुभूति समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष की कांग्रेस पार्टी हो,
इनके पास एक गठजोड़ ऐसा बैठा है जो मुस्लिम, उसका इन्होंने ध्रुवीकरण करके जो बना दिया, समाज को बांट दिया है, उस वोट की बुनियाद पे जो राजनीति कर रहे हैं, इस बारी योगी सरकार बनने पे इनके सामने वो सारी चीजें जो हकीकत है सामने आ जाएगी। चलिए अब मनोज जी आप पूछिए, बहुत सी बातें आपके सामने आ गई। देखिए जैसा अभी इन्होंने बताया कि नीतू सिंह जी ने कि पश्चिम में इन्होंने माना कि हमको वहां नुकसान होने जा रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने जयंत जी के बारे में कहा कि वो अपने हर आदमी का पश्चिम में, देखिए जिसका जहां पे प्रभाव है, जयंत जी उत्तर प्रदेश के नेता है लेकिन उनका जो वर्चस्व है या उनकी पकड़ है किसानों को, किसान के नेता के रूप में कहे जाते हैं, तो उनका पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रभाव है और प्रभाव होने के नाते वहां पे उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी और अपने गठबंधन के साथ उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ा। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा भारतीय जनता पार्टी को कि वहां पे अब की बार भारतीय जनता पार्टी का ये दहाई अंक में खाता ना खुले, ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और रही बात किसानों की, तो किसान तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर में है, लेकिन पूरा देश भर का किसान ये देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह किसानों की बातों को ना सुना, किसानों ने किस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह किसानों का उत्पीड़न किया। वो धरने पे बैठ करके कोई पार्टी के लोग नहीं थे, वो एक किसान वर्ग, एक किसान जो एक कहा जाता है देश का अन्नदाता, वो एक धरने में बैठा था अपनी मांगों को मनवाने के लिए कि हम देश के किसान, हम देश के अन्नदाता हैं, आप हमारी मदद करिए, आप हमको MSP लागू करिए, हमारे लिए जो आप कानून बना रहे हैं उनमें संशोधन करिए ताकि वो किसान जो क्या नाम कानून है हमारे फेवर में हो, जिससे हम किसानों को उसका लाभ मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को दरकिनार करते हुए अपने बनाए गए काले कानून उन किसानों पर थोपने का काम किया, जिसकी वजह से 700 किसान मर गया। इस किसानों ने पूरे प्रदेश भर के नहीं पूरे देश भर के किसानों ने यह मन बना लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी उसका सबक सिखाना है और आने वाले विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट होंगे वो अपेक्षाकृत ऐसे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने सपने में नहीं सोचा होगा, अब कि उनको इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। श्यामदेव जी जरा सीधा हमको ये बताइए, आप किस गणित से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अभी जीत सुनिश्चित नहीं हुई, नंबर एक, और नंबर दो अगर उनकी जीत सुनिश्चित नहीं है तो फिर किसकी जीत सुनिश्चित है आपके हिसाब से? हम गणित ये कह रहे हैं जी कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, एक भी पावर स्टेशन बना दे, ये कोई पावर हाउस बता दे, कोई मतलब उद्योग बता दें कि कोई चीनी मिल खोला हो या कोई कताई मिल खोला हो, बिजली का संकट जो था वो बरकरार है, अगर नहीं बरकरार है तो आप हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली का बिल जो उत्तर प्रदेश में आता है, सबसे ज़्यादा चार्ज उत्तर प्रदेश लिया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में 36 राज्य है केंद्र शासित राज्य मिला करके सबसे ज़्यादा चार्ज बिजली का उत्तर प्रदेश में इस समय है प्रति यूनिट। दूसरी बात यह है ऐसे पे क्या क्या आम आदमी वोट देगा इनको, कोरोना काल में लाखों आदमी मर गया और वो तो ये तो सारे पुरानी नहीं है, वो एक नहीं पुरानी बात नहीं है, उसमें तो ये मानसिकता आदमी की बन गई है, अरे कोई क्या करता, कोई कोई क्या करता, कोई क्या करता, कोरोना में एकदम आफत आ गई थी, ये तो लोग कहते ना आपके पास मेडिकल सुविधा नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थे, बेड नहीं थे, लोग भाग रहे थे लोगों को लेकर करके, आपने वो तुम जरा देखा होगा वर्मा जी, और मर गए लाखों लोग मरे जिनको जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, लोगों ने ऐसे परवाह कर दिया और बालू में ढक करके लाखों लाशें जो हैं हजारों लाशें लोग आए लोग इसका बोझ क्यों नहीं पड़ेगा? हाँ। अरे जनता भोली नहीं है, वो जनता उनको सबक सिखा रही सिखाएगी, दो चरण और आने वाले सिखाएगी और 5 चरणों में सिखाई है। और जहां तक ये कहते हैं योगी जी कि हम विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, आपने किसका विश्वास लिया? आपने माइनॉरिटी का विश्वास नहीं लिया, 403 सीटों में एक भी मुस्लिम नहीं दिया आपने कैंडिडेट, आपने खड़ा किए, एक क्रिश्चियन ने खड़ा किया आपने, ने टिकट दिया आपने, तो सबका विकास कहाँ, सबका विश्वास हो गया, हो गया, मैं आपकी बात समझ गया, कहाँ है? नीतू सिंह आप भी भाजपा के माइनॉरिटी सेल में हैं जी, एक बड़ा सवाल उठाया और भी इसके पहले आप कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए बहुत किया लेकिन कोई क्लेम नहीं किया, अभी आप ही कह रहे थे जी, लेकिन क्या कारण है कि सीधी सीधी बात है कि क्या कारण है कि आपने एक भी सीट मुस्लिम को नहीं दी जबकि आप क्लेम कर रहे हैं सबका विश्वास, सबकी विकास, नंबर एक, और नंबर दो
ये कहा जा रहा है कि पहले तो जरूर आपको 5-7% वोट अगर मिल गया होगा मुसलमानों का, इस बार तो बिल्कुल नहीं मिला और 80% वोट मुसलमानों का बीजेपी के खिलाफ गया है, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। क्या आप इससे वाकिफ नहीं है? ऐसा है कि देखिए, हमारे पास, हमने ठीक है उनको टिकट नहीं दिया, पर हम 400 जगह जिसमें 12 हमारे पास जो प्रदेश के बड़े पद हैं उस पे हम उनको सृजित करके उनके उनकी बिरादरी के हाल देखने के लिए और 400 और तरीके की जो मदतें हैं जो अल्पसंख्यक क्षेत्र में आती हैं और उसका असली फायदा जो उठाता है वो मुस्लिम समाज ही उठा रहा है। पर हम एक चीज ये कहते हैं कि जब तक यही धारणा हमारे सिख समाज की भी थी, हम जब किसी परिवार में जाके घुसेंगे उसके मुखिया को हमारी परेशानी का पता होगा तो वो तो दूर करेगा ना, हम उससे दूरी बना के रखना चाहते हैं। कितनी दूरी? पर आज की डेट में मुस्लिम महिलाओं ने हमारा समर्थन किया है और ये तो वोट अब खुलेगा तो सामने आ जाएगा। बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पुनः योगी सरकार इस प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि दोबारा किसी दोहराया नहीं सरकार। चलिए, मोनू ये कह रहे हैं कि हमने निश्चित रूप से मुसलमानों के साथ बहुत कुछ किया है और उन्होंने दावा किया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इनको वोट दे रही हैं। आपने तो बहुत नजदीक से इस बार का चुनाव देखा है और आप क्या वो कारण बता सकते हैं जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि 80% मुसलमानों का वोट बीजेपी के खिलाफ गया? बहुत से तो ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जहां पर खाता ही नहीं खुला होगा, इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, इनकी तुष्टिकरण की राजनीति। जी, ये तुष्टिकरण की तो राजनीति आपके ऊपर लगाई जाती है। ऐसा है ना, लगाने को कुछ क्या, हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं ना। आप ये समझ लीजिए, हम ये नहीं कहते कि हम मुस्लिमों के विरोधी, हम ये नहीं कहते हम सिखों के विरोधी हैं। ये कभी जाट गुजर में झगड़ा कराते हैं, कभी हिंदू मुसलमान में कराते हैं, कभी क्रिश्चियन और हिंदुओं में झगड़ा कराते हैं। इनके पास यही काम है, ये केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और इस कारणवश देश का जो सेकुलर आदमी है वो इनसे नाराज रहता है। कुल मिलाकर के इनकी जो नीतियां हैं वो एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने वाली बात नहीं करते हैं, ये केवल अपने आप को बढ़ाने के लिए। जैसे ये अगर मंदिर बनवाएंगे, अरे मंदिर तो सभी वर्गों के लोग बनवाते हैं, लेकिन उसपे जो ना ये हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं करना चाहते। जो एक संविधान के तहत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देते हैं, लेकिन ये केवल अपना साथ अपना विकास और अपना विश्वास जीतना चाहते हैं। इनका जमीन में इनका कथनी उनकी करनी में फर्क है। इससे जैसे मान के चलिए, अगर कहीं पे कोई योजना है, अब वैसे अभी आप एक टिकट बंटवारे की बात की, अगर भाई आप टिकट बंटवारा करते हैं तो आपको भी ये 10% 5% मुस्लिमों को देना चाहिए, 2% सिखों को देना चाहिए, 2% क्रिश्चियनों को, 1% देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देते हैं। ये केवल कहते हैं कि जिस भी, ये केवल अपना साथ अपना विकास अपना विश्वास पे, ये केवल आयते लोगों के कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कैसे सीट जीती जाएगी, किसको किससे लड़वा दिया जाए, किससे किसको परिचय कर लिया जाए। ये क्या कारण सर जो इस बार ये कहा जा रहा है, या तो आप बताइए कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 80% मुसलमानों का वोट बीजेपी के खिलाफ गया, आखिर गया है कि नहीं गया? नंबर एक, और अगर गया है तो क्यों गया है? देखिए, जाने की हमने आपको बताना, इनके पुष्टिकरण की राजनीति पे ये लड़वाने पे विश्वास रखते हैं। हम लोग सबको साथ में लेते हैं, मान के चलिए जब हमारी कहीं हम किसी आदमी को जोड़ेंगे अपने साथ, कानपुर शहर में है, मान लिए 5 विधानसभा सीटें हैं, 5-6-7 सीटें हैं, 7 सीटों में हम लोगों ने बंटवारा करके अगर 4 हिंदुओं को दी तो 2 मुस्लिमों को दी, ये बताएं आसपास के जनपद में कभी देने का काम करते हैं? हम लोग सबको लेकर के चलते हैं। जब उनको ये लगता है, मुस्लिमों को ये लगता है कि अगर हमको ये टिकट दे रहे हैं, हमारे लोगों को, हमारी माइनॉरिटी को, हमारे लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वो उनके साथ और उसके साथ उनको हिंदू और मुस्लिम दोनों का वोट मिलकर के तब वो जीतते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती, वो केवल एक वर्ग में फोकस करती है और उन्हीं से लड़वा करके उनसे जीतने का काम करती है। ये विकास मुद्दों से विकास के मुद्दों को भटकाने का काम करती है, ये केवल देश को लड़ाने की और भड़काने की रीत पे काम करती है। चलिए, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है।
इस बार के चुनाव में एक बात देखने को मिल रही है कि वोट का प्रतिशत कम हो रहा है और लगातार हर चरण में। इस बार आप देखिए तो अयोध्या जैसी जगह पर वोट का प्रतिशत कम हुआ है, जहाँ पर जज्बा है, जहाँ पर आस्था है, जहाँ श्रद्धा है, और जो बाहुबली या दमदार लोग होते हैं उनके क्षेत्र में भी, माने राजा भैया के क्षेत्र में भी जो है मतदान का प्रतिशत कम रहा। मैं सबसे पहले श्यामदेव जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने तो बहुत चुनाव देखे, ये क्यों घटा और इसका असर क्या होगा? प्रदेश की जनता का मनोबल गिर चुका है, महंगाई इतनी ज्यादा है, आम आदमी परेशान है, और वोट उसने 2017 में जिस नाते वोट दिया था भाजपा सरकार को कि जितनी सरकारें थी उनसे अच्छा काम ये करेंगे, और जिस तरीके से आज बेरोजगारी बढ़ी है, कोरोना काल में जिस तरीके से लाखों करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश के बेकार हो गए हैं, आमदनी घटी लोगों की, जीडीपी गिरा है, मिलें सब बंद हो गई, और जो बाहर काम करते थे लौट के आगे बम्बई से, सूरत से, अहमदाबाद से, अभी आपने एक बात कही अयोध्या में परसेंटेज बहुत कम हुआ, जबकि अयोध्या की राम मंदिर के नाम पे बड़े वोट पड़ना चाहिए, अच्छा लोग वहाँ खुशी वोट देते, प्रसन्नता थी राम मंदिर के नाम पे, लेकिन महंगाई के नाते इस सरकार ने जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आमदनी घटी है, लोगों के वोट देने के लिए उत्साह नहीं रहा, लोग वोट देने नहीं गए, और इसका नुकसान वर्तमान सरकार को होगा। क्यों वर्तमान सरकार? नीतू जी आप मानते हैं ये वोट परसेंटेज जो गिरा है उसका क्या कारण मानते हैं? क्या ये महंगाई, बेरोजगारी जिस ओर ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ अगर देखा जाए ये चुनाव तो मुद्दों के नाम पर बिल्कुल चुप रहा, मौन रहा और बयानों का केवल शोर चलता रहा, इससे आम मतदाताओं में थोड़ी सी निराशा हुई, हताशा हुई कि हमारी तो बात कोई कर ही नहीं रहा, इसलिए वोट परसेंट गिर गया? असल में जो ये चुनाव हो रहे हैं इसमें जो बार बार इस तरीके के भाषण और इस तरीके के आपसी जो ध्रुवीकरण वाली बातें आ रही हैं, तो अब मतदाता बहुत समझदार हो गया, तो वो ये कहता है कि इससे अच्छा तो ना ही जाओ, इससे तो भाजपा का नुकसान हो गया। नहीं ये लगता है पर ये ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि ध्रुवीकरण मेरी बात में अस्सी ध्रुवीकरण अगर हमने किया होता 80 और 20 की लड़ाई बनाई है, आपको मालूम है, अगर हमने हमारी जो भी योजनाएं हैं वो हमारी होती है, जो सरकार बैठती है सरकार उसकी योजना होती है, उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा चाहिए, अभी 80-20 अरे उलट जाएगा। अच्छा चलिए, अच्छा चलिए, जैसे इन्होंने बताया कि 80-20 इतने दिन में पूछते पूछते बता नहीं पाई 80-20 है क्या, मैं बता दे रहा हूँ 80-20 का जो आंकड़ा है मुझे लगाता है ये 80% जो गरीब आदमी उनके खिलाफ है, और जो 20% पूंजीपति है ये उनके साथ है, 80-20 का ये आंकड़ा है, देश की 80% जो गरीब जनता है ये उसके विरोध में है, और जो 20% पूंजीपति है ये उनके साथ है, ये इनका 80-20 का नहीं, हमने देखिए हमने 80% के लिए काम किया, हमारी सारी योजना उस जरूरतमंद के घर तक पहुंची है, उसके खाते तक पहुंची है, उसके लिए और सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने तीसरी लहर नहीं आने दी, हमारे ये रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें सब सामने आ जाएगा कि तीसरी लहर नहीं आने। सोनू जी बोलो एक मिनट, 30 नीतू जी जी 80 आप किसे कह रहे हैं, 20 किसको बताइए आप, 80 हमने जो जरूरतमंद था जो योजना बनी उसके पास उस योजना का लाभ उसके खाते में हो गया, उसके घर के भाग में गया। 20 कौन है? 20 ये जो कह रहे हैं कि पूंजीपति, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, मैं नहीं कह रहा 20 कौन है, 20 ये अनुपात है कि इतनी सीटों के हिसाब से हम चल रहे हैं, जैसे 403 का अपने जवाब नहीं है, नहीं ये नहीं नहीं, आप समझ लीजिए 20% क्या ये पूंजीपतियों के विरोधी है, मैं कह रहा हूँ, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, 80% गरीब जनता के विरोधी और 20% के समर्थक है, और इनकी बात में कहीं से दम नहीं है, ये 20% के विरोधी है, आप बताइए
आप कहां सबका साथ सबका विश्वास लेके चल रहा है, आप अपने कहे हुए बातों में फंस रहे हैं। चलिए मोनो जी एक मिनट, श्याम दो जी मुझे एक गणित बताइए। अब आप बताइए कि आप भी कह रहे हैं कि भाजपा की सुनिश्चित जीत नहीं है, तो आखिर आप हमको ये बताइए फिर कौन जीत रहा है, किसका आंकड़ा प्रबल हो रहा है, और क्या ये मान करके चला जाए कि अगर कांग्रेस कुछ बहुत अच्छा कर सकती थी लेकिन उसका कुछ अंदरूनी सपा से पैक्ट भी हो गया है जिसके कारण भी सपा इतनी मजबूत और खुली सामने दिख रही है। हमारी महामंत्री यूपी प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत किया है, इसमें दो राय नहीं, ठीक है, और जब से उत्तर प्रदेश का प्रभार उनके पास आया है वो रात दिन करके, कोई ऐसा जिला नहीं उत्तर प्रदेश का है जहां उनका दौरा न हुआ। और कांग्रेस एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस ने इस देश में 53 साल राज किया है, और जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी विकास के काम हुए हैं, जितने उद्योग धंधे लगे हैं, सब कांग्रेस के समय के लगे हुए हैं। मेरा सवाल ये है, हम ये कहने जा रहे हैं हाँ। कि कांग्रेस इस उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में कांग्रेस की तरक्की होगी, कांग्रेस बढ़ेगी, अपना जनाधार जो कांग्रेस ने खोया था वो हम ऊपर लाएंगे और हम अच्छी खासी सीटों में परिवर्तन करेंगे। हम जो जो मेहनत है हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे साथियों का, प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का, उसका 10 मार्च के बाद हमें रिजल्ट दिखाई देगा। और हम कांग्रेस अगर सरकार नहीं बना पाएगी तो कांग्रेस, हम जो धर्मनिरपेक्ष ताकते हैं, जो धर्मनिरपेक्ष ताकते हैं जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, उसका हम समर्थन करेंगे, हम सांप्रदायवादी शक्तियों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर ये आज कहा जा रहा है कि पांचवें चरण में बीजेपी की जीत तय हो गई है, आपके हिसाब से पांचवें चरण तक की क्या स्थिति है, कितनी सीटें मिलने जा रही है बीजेपी को? देखिए सीटों का आकलन तो वर्मा जी हम कैसे बता दें आपको। हाँ हाँ बोलिए। इतना सही, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने करीब नहीं पहुंचेगी, 100 से 150 सीटें इनके पास आएगी। 100 हाँ वही बता, 100 से 150 सीटें मतलब पांचवें चरण तक की कुल, सातवें तक में मैंने 150 सीट हाँ। और आप ये भी कह रहे तो ये इसका लाभ किसको मिला, सपा को मिला होगा फिर तो? नहीं, इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा हाँ, और इसका लाभ कांग्रेस को मिला, कांग्रेस को। कांग्रेस भी हमारी जो है उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें लाएगी, 35 से 50 के बीच हमारी सीटें रहेगी, ये मैं आज कहे जा रहा हूँ आपको, और 100-150 इनकी रहेगी और 35 से 50 हमारी रहेगी, 35-50। तो आप और वो मिल करके सपा, जो भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें होंगे हाँ। सब मिलकर के सरकार बनाएंगे, ये बिल्कुल तय होगा। सब नहीं, मतलब वही धर्मनिरपेक्ष हाँ, तो धर्मनिरपेक्ष एक धर्मनिरपेक्ष ताकत तो बीजेपी की बीटी में है हाँ, वो तो ठीक है, कैसे हम उसको ले लेंगे नहीं, तो वो तो उसकी क्या होगा रिजल्ट बात की उसकी तो बात। अच्छा ये एक लाइन और बता दीजिए, आखिर वो कौन सा बुनियादी कारण आप मानते हैं जिससे आपको लगता है कि बीजेपी की जीत नहीं होगी? क्योंकि देखिए जैसा नीतू सिंह कह रहे हैं तो उससे तो है कि उन्होंने कहा कि देखिए लाभार्थी, नंबर 2 सुरक्षा और नंबर 3 आस्था के केंद्रों का विकास, ये सारी बातें कह रहे हैं। आखिर वो कौन सा पहला कारण है हाँ। वो कौन सा सबसे बड़ा कारण आप मानते हैं जो बीजेपी को शिकस्त दे रहा है? बहुत से कारण है, जातिवाद सुन लीजिए हाँ, बीजेपी को शिकस्त देने के कारण है महंगाई, बेरोजगारी, मेडिकल का अभाव, फैसला का ठीक, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, और हमारे जो किसान हैं सबसे बड़ा मुद्दा है किसान। आज यूरिया खाद में जो सब्सिडी मिलती थी उसे घटा दिया उन्होंने, यूरिया खाद में जो 50 किलो का बोरा था 50 किलो कर दिया उन्होंने। ये तो बातें हो गए, 5 किलो ये आपने कहा लाभार्थी का लाभ मिलेगा, आज 10 किलो गेहूं दे करके 4 बीघे गेहूं किसान का छुट्टा जानवर चर गए, 10 क्विंटल का 20 क्विंटल का नुकसान हो गया उनका। ठीक है, अच्छा मैं किसान 10 किलो खुश नहीं है। आपसे एक सवाल और, ये सारे मुद्दे हैं, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, सब बहुत आपकी बातें अच्छी हैं, मेडिकल भी बताया, लेकिन चुनाव तो पूरी तरीके से जातिवाद पर ही हो रहा है, सामाजिक गठजोड़ पर ही हो रहा है। देखिए चुनाव जातिवाद पे तो हम कांग्रेस नहीं लड़ती है,
आप नहीं लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी कभी जातिवाद पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो जो सिनेरियो चल रहा है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो एक करेक्टर बन गया है एक लंबे समय से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आप जातिवाद छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ नौजवान, किसान, बेरोजगार, मजदूर, इनकी कोई जाति होती है? मेरा सवाल जाति नहीं है, क्या मैं मान लूं कि जातिवाद इस बार नहीं चल रहा चुनाव में, ये बताइए। जातिवाद बहुत पार्टी चलाई है, चलाई बहुत पार्टी चलाई है, वही तो मैं कह रहा हूँ। सामाजिक संकरण जो बनाया है, ठीक बात, वो जातिवाद के आधार बनाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, मैं कांग्रेस मान गया कांग्रेस, लेकिन बोलो अब जरा हमको आप समझा दीजिए कि आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है नहीं, तो भाजपा कितनी सीटें ले लेगी समय तक, या मान ले पूरे समय तक? और दूसरा, वो कौन सा कारण आप मानते हैं जिसके कारण सपा प्रचंड बहुमत में आएगी, वो कौन सा बुनियादी मुद्दा है, ये मैं जरा जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आपने दो बातें पूछी कि सपा के आने का कारण क्या है और भाजपा का नुकसान का कारण क्या है। हाँ हाँ, देखिए, जब जनता, अभी आपने बताया कि पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, कम होने का कारण है पब्लिक को पहले इन्होंने चूतिया बनाया, कि पब्लिक से ये कहा कि भाई हम ये हमारी सरकार बन जाएगी, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपको स्वास्थ्य योजना दे देंगे, आपको मुफ्त शिक्षा दे देंगे। दिया तो है स्वास्थ्य योजना, दी तो है। बताइए कौन से कितने मेडिकल कॉलेज का उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं, बताएं कौन सा इन्होंने मेडिकल कॉलेज, इन्होंने एम्स बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी एम्स कैटेगरी का अस्पताल इन्होंने देने का काम किया हो? दूसरा, बेरोजगारी, इन्होंने कौन सी ऐसी चीजों पे फोकस किया है जिसपे बेरोजगारी को दूर करने, कौन सी फैक्ट्री इंडस्ट्री चालू करने का काम किया? इन्होंने डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, लेकिन आज दिन तक वो जमीनी पे कागजी ही बन रहा है, सड़क पे नहीं उतर के आया है, वो कहां पे चल रहा है नहीं पता चला। इन्होंने जो है स्वास्थ्य के नाम पे, इन्होंने शिक्षा के नाम पे, इन्होंने किसानों के नाम पे, इन्होंने नौजवानों के नाम पे कुछ नहीं ऐसा किया जिस कारण इनको जनता वोट करे, तो जनता में निराशा आ गई। उन्होंने वोटिंग को उन्होंने समझ लिया कि जो है सरकार जो है कुछ नहीं करेगी और हमको सरकार को वोट करना, हमारा वोट व्यर्थ जाएगा, इसलिए वोटिंग परसेंटेज मिल गया। अब रही बात हमारी, अब हमने जैसे आपने कहा, हमने लोगों को आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ओल्ड पेंशन योजना को लागू करेंगे। सरकारी आदमी को, पुराने लोगों के जीवन के जीने के लिए एक पेंशन एक सहारा होता है, जिसका बस वो आदमी अपने बुढ़ापे के जीवन में पेंशन से गुजर बसर करता है। हमने कहा कि हमारी सरकार आई तो हमने राम मनोहर लोहिया टाइप का एक अस्पताल जो है लखनऊ में देने का काम किया, हमने कितने सारे स्टेडियम काम उत्तर प्रदेश को देने के काम किए, हमने कितने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, हमने एक 320 किलोमीटर का हाईवे बनाने का काम किया, इन्होंने केवल फीता काटने का काम किया। जो इन्होंने मेट्रो भी कानपुर शहर में बनाई है, वो भी हमारे पूर्व सरकार द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, उसको बस पूरा करने का काम किया। इन्होंने कोई ऐसी योजना को पूरा नहीं किया जो इनकी सरकार में चालू हुई और इनकी सरकार में खत्म हुई हो, इसलिए अब की बार जनता इनसे उब चुकी है और इनके खिलाफ वोट करने जा रही है। अगर आपने इतने अच्छे काम किए तो 2017 में क्यों हार गए थे? देखिए, मैंने क्या कहा, आपने वादे बहुत अच्छे कर लिए कि आप आएंगे तो देश में क्रांति आ जाएगी, पूरे सारे देश की, उत्तर प्रदेश की सारी फैक्ट्री और मिलों को चालू कर दिया जाएगा, हम कानपुर से में दिल्ली ऐसे एम्स देने का काम करेंगे, हमने जितनी एल्गिन मिल और जूट मिल का मतलब जितनी मिले हैं उनको चालू करने काम करने में, पब्लिक को लगा कि आप बात कर रहे हैं, पब्लिक उस बात पे गुमराह हुई और पब्लिक ने इनके समर्थन में वोट किया, लेकिन 5 साल बाद उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, इसका पब्लिक में निराशा है, इसलिए वोट प्रतिशत कम हो गया और इसी कारण वह जनता आपकी बात साइलेंट है और इनको इनका इनके झूठे वादों का जवाब देने। मेरा सवाल ये, अब आप ये बताइए, भाजपा को कितनी सीटें मिलने जा रही है और सपा को कितनी मिलने जा रही है? देखिए, मुझे लगता है आपकी बात भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा भी नहीं क्रॉस करेगी और समाजवादी पार्टी 250 प्लस सीटें लेकर के आ रही है। अच्छा, ये इसमें एक कारण ये भी आप मानते हैं कि जो अखिलेश ने नया सामाजिक गठजोड़ किया, राजभर को मिलाया छोटे दलों का, उसका भी सीधे सीधे लाभ आपको मिल रहा है? देखिए, मैंने आपको कहा हमारा नारा है सबका साथ
सबका विकास सबका विश्वास, हम पिछड़ों को भी साथ में लेते हैं, हम मुस्लिमों को बीजेपी का नारा अपने साथ कहां ले आए, तो बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उनका नारा है इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं हम। भाई अभी आप ही कह रहे हो, कभी आप 80 बेस कहते हो, कभी कहते हो मुझे इनका वोट नहीं चाहिए, आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, हम अपनी कथनियों करने पे विश्वास रखते हैं। हमने आपको बताया हम दलितों को भी साथ लेके चल रहे हैं, हम पिछड़ों को भी लेके चल रहे हैं, हम मुस्लिमों को लेके चल रहे हैं, हम अल्पसंख्यक समाज के सभी वर्ग जिसमें सिख समुदाय भी आता है, जैन समुदाय भी आता है, ऐसे सभी लोगों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट ये होगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का 150 का आंकड़ा नहीं क्रॉस होगा। चलिए बहुत अच्छा, श्यामदेव जी कुछ आप कहना चाहते थे, एक मिनट। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, पिछले 32 वर्षों से 89 के बाद जब से कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश गई है, एक भी अस्पताल नहीं खुला, हाईलाइट हो, उर्सला हो और डफरीन हो, जितने भी हॉस्पिटल ये सब आपके जमाने सब कांग्रेस के देन है। HBTI, कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, NSI, LMCO, IIT, सब कांग्रेस के देन है। ठीक, वो तो सभी सरकारें आई हैं, अब नहीं दिया, ठीक है, बात भी नहीं बनाया, ठीक बात, इतिहास है सारे कानपुर का, ठीक बात है। आप ठीक बात मोनो कुछ कहना चाहते हैं? आप ये बता रहा था जिसे आपने कहा कि नहीं दिया, हम लोगों ने अभी आपको बताया राम मनोहर लोहिया अस्पताल हाईलाइट में एक नई बिल्डिंग कंपेयर टू कि हाईलाइट की एक नया एक डिपार्टमेंट हाईलाइट ने बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम किया, तो आज भी सरकार में ये सरकार 5 साल में पूरा नहीं करा पाई, वो आज भी वो हाईलाइट जो बनाया गया है वो हमारी देन है। कानपुर में मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो हमारी देन है। कानपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पार्किंग है, हमारे द्वारा 4 पार्किंग जैसे फूलबाग, मल्टी लेवल पंचक्की, ऐसी 3-4 पार्किंग कानपुर शहर को देने का काम किया, पार्टिकल गार्डन कानपुर को देने का काम किया है, ऐसी हमारे नवीन मार्केट का डेवलपमेंट करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में कानपुर शहर में एक विकास कार्य ऐसा करने का काम किया हो, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे जरा मुझे बताने का काम करें, 5 साल में एक भी कोई ऐसा काम किया हो जो इनके द्वारा शुरू किया हो, इनके द्वारा खत्म किया हो, बताने का कष्ट करें। हमने 23 महीने में हमने एक नया एक्सप्रेस वे बना दिया जिसपे जो है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे जल्दी बनने वाला एक्सप्रेस वे था। ये बात करते हैं, ये केवल बात करते हैं, हम लोग काम करते हैं, ये हमारा नारा है कि हम लोग जो बात कहते जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि ये कहते हैं वो करते ही नहीं है कभी। ठीक बात, आप नीतु सिंह आप बताइए, आपने सुना जो हमारा 2017 का संकल्प पत्र था, हाँ, उस हिसाब से हमने अपनी कार्रवाइयां करी, ठीक, और ढाई साल के बीच हमको जो कोरोना लहर चलती रही उसके बावजूद भी हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी किस तरीके से आम जनमानस की सेवा में लगा रहा और किस तरीके उसको पहुंचाई, वो हमारे लिए प्राथमिकता थी। उसके साथ जो जो योजनाएं थी उसको जो समय से पूरी होनी थी उसको कर दी, कुछ काम जो रह गए वो हमारे अब की जो संकल्प पत्र आ रहा है बताने का काम करें, बहुत सी योजना है। आप बताइए ना, हमारे यहाँ अगर आज आपको दवाइयों का हो रहा या कुछ दवाइयों का हो रहा है, कोई चीज हो रही है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, आयुष्मान योजना मिल रही है आपको, हर चीज आयुष्मान योजना का ये हाल है कि किसी अस्पताल में जाओ तो के नाम पे इलाज नहीं करता, नहीं बिल्कुल गलत है, मुख्यमंत्री कोष से किसी विधायक के पास जाओ, अरे आप इलाज के लिए मिलता है, आप लोग सिर्फ अगर ये न किया होता तो आप ही के यहाँ के मंत्री आज भ्रष्टाचार में घोटालों में कामों के करते करते साथ आपने उन जमीनों को बेच खाया, आप ही के यहाँ छापे पड़े, आप ही के जो बाहुबली थे आज सब आप दोषी नहीं, आप संविधान को मानते होते तो जेल वाले को कभी टिकट न देते कि आप जिसको डिप्टी सीएम नहीं जो 70 मुकदमे हैं पर वो जेल में नहीं है, संविधान के अंदर में तो नहीं, आप तो जेल के अंदर जो बैठा है बाहुबली सारे मुकदमे नहीं आपके सारे मुकदमे, आप ये बताइए जेल में आपके आप बताओ ना, आजम खान ने सिर्फ अपने क्षेत्र विकास में अपना पैसा खाया, इन्होंने अगर एक्सप्रेस वे बनाया तो जितना भी उन गांव वालों का था अपनी जमीन
आपका मुख्तार अंसारी इस तरीके से जितने आज गुंडे भाग गए यहाँ से, हर आदमी यहाँ पे आतंक के वातावरण से बाहर निकल गया। नीतू सिंह आप ये बताइए जरा हमको जी कि जैसा भी मोनू कह रहे थे कि एक तो कोई अपना विकास कार्य ऐसा बता सकते हैं जो आपने चालू किया हो और से खत्म कर दिया हो पांच साल के अंदर, ऐसा कोई काम बता सकते हैं? विकास आपके देखिए जो योजनाएं अधूरी थी उसको पूरा क्रियान्वित किया। जो मेरी बात समझिए, जो आप भी जो सत्ता में बैठा है जो चीज अधूरी है उसको विकसित किया। आपने पत्थर लगाया, हमने उसको पूरा करके जनता को समर्पित किया। सड़क का नारा दिया नहीं हमने उसको, और आज कर रहे हैं। ये बात बताइए जी, नंबर एक जी, बहुत अच्छी बात, आखिर जनता अखिलेश को वोट क्यों नहीं देगी ये हमको जरा बता दीजिए। इसलिए नहीं देगी ये बताइए कि हम जो अपनी आर्थिक समृद्धि है हाँ। या पारिवारिक समृद्धि है हाँ। हम उन गुंडाओं और भ्रष्टाचारियों के हाथ में नहीं देना चाहते। नंबर एक। नंबर दो, अब मुझे जरा ये समझा दीजिए कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है पांचवें चरण तक, या यो कह दीजिए कि पूरे तक कितनी सीटें मिलेगी? टोटल हमारे हिसाब से 250 से 260 में हमारे घटक दलों के साथ हम सीटें प्राप्त करेंगे, और बाकी में ये जो विपक्षी हैं ये अपना। अच्छा ये बताइए नीतू सिंह, बहुत अच्छी बात की मुझे आपका अच्छा लगा, मुझे ये समझा दीजिए कि आपकी पार्टी कहती है 300 के ऊपर और आप 350-260 पे ही आ गए, ये इसका कारण क्या मानते हैं? मैं थोड़ा सा एक धर्म अध्यात्म से भी जुड़ा हूँ, तो सच बोलने में कोई सजो नहीं है। चलिए चलिए, तो इसलिए बीजेपी की सरकार बननी है और 250 से 60 में आएंगी। ये जो समाजवादी पार्टी है 100 से 125 के बीच में है, और बाकी में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की वो है, और ये इस तरीके से इस उत्तर प्रदेश का आंकलन है। ये आप लिख दीजिए और फिर हमको बुलाइएगा, बिल्कुल जो सच होगा उसको बधाई दीजिए। बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल। ये राजनीतिक चर्चा है, कोई भेदभाव नहीं। मोनू कुछ एक बात कहना चाहते थे जल्दी से? मैं जिससे उन्होंने कहा कि आकलन की बात उन्होंने कही, आकलन तो जब ये जानते हो कि ये 350 कहेंगे तब इनको लगता है कि हमारी 250-250 सीटों पे हमारी वो स्थिरता है। जो बात कहते हैं ना, हमने आपसे क्या कहा, इनकी कथनी और कथनी में फर्क है, और इनके द्वारा कही गई बातों पे जनता सीरियस नहीं लेती, समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी, और बहुत बहुत धन्यवाद श्यामदेव जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की। निश्चित रूप से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावे भी दमदार हैं, असरदार हैं, इस पर भी आकलन हम करेंगे 10 मार्च को। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।